गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू साइंस चैप्टर 16, गार्बेज इन गार्बेज आउट। चैप्टर स्टार्ट हम ऑफलाइन क्लास में कर चुके हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक बार चैप्टर को समराइज करने के लिए। तो चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम देखेंगे कि कूड़े का किस तरह से निपटारण किया जाए और किस तरह से उसको संग्रहित किया जाए। We throw out so much rubbish or garbage every day from our homes. हम अपने घरों से अनेक तरह से कूड़े को जोड़ते भी हैं और उसको फिर फेंकते भी हैं। लेकिन हमें किस तरह से कूड़े का यूज करना है? हमारे घरों में अनेक तरह का कूड़ा होता है, एक गीला कूड़ा होता है, एक सूखा कूड़ा होता है, एक होता है हमारा सब्जी से उतरने वाले जो पील्स होते हैं, अगर हम उन्हें जानवरों को डाल दें तो इस तरह से क्या होगा, हमारा डस्टबिन नहीं भरेगा। और दूसरा क्या है, हमारा सूखा कूड़ा। सूखा कूड़ा कैसा है, जैसे कि बच्चों की कॉपी से फटे हुए पेजेस हैं, प्लास्टिक के खिलौने वगैरह हैं जो टूट गए हैं हमारे, उनको अगर इकट्ठा करके अलग रख दिया जाए, और जो गंदगी वाला कूड़ा है हमारा उसको ले जा करके दूर गड्ढे में डिक करके उसको डाल दिया जाए। तो हमें स्टूडेंट आज चैप्टर में स्टडी करनी है कि किस तरह से हमें कूड़े से निपटना है। तो ये स्टार्ट करते हैं। वी जनरेट सो मच गार्बेज इन अवर डे टू डे एक्टिविटीज। वी ऑफन थ्रो ग्राउंडनट शेल्स ऑन पब्लिक प्लेस। आपने कई बार देखा होगा रोड पर, पब्लिक प्लेस पर लोग बाग मूंगफली खाई और छिलका वहीं फेंक दिया। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है, कूड़े को इस तरह से नहीं फैलाना है। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा 16.1 पर आता है हमारा डीलिंग विद गार्बेज। गार्बेज की डीलिंग कैसे करनी है? सफाई कर्मचारी कलेक्ट द गार्बेज। सफाई कर्मचारी हमारे आते हैं और वो कूड़े को इकट्ठा करते हैं, तो लेकिन हमें ध्यान रखना है कि कूड़े को उनको किस तरह से देना है, यानी कि उठाया और उल्टा सीधा सब चीज मिलाई और फेंक दिया, नहीं, कूड़े को तरीके से देना है ताकि गंदगी ना फैले कहीं भी जाकर के। और इसमें था हमारा एक्टिविटी वन, हमने क्लास में स्टडी किया था। एक्टिविटी वन में क्या सीखा हमने, कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर हाउस बिफोर इट इज थ्रो इन टू द डस्टबिन सेपरेट इन इन टू टू ग्रुप सो दैट दे हैव। तो हमें देखना है कि अभी किस तरह से हमें दो ग्रुप में कूड़े को रखना है, एक तरफ गीला कूड़ा और एक तरफ सूखा कूड़ा। ये हमारा ग्रुप वन बना दिया, हमने ग्रुप टू बना दिया है। ग्रुप वन में हमने क्या रखा है, गार्बेज फ्रॉम द किचन, किचन का गार्बेज, फ्रूट और वेजिटेबल्स पील्स, एग शेल्स वेस्ट और फूड होगा, या टी लीव्स जो चाय की पत्ती की सूखी होते होंगी उनको रखना है। ग्रुप वन में रखना हमें क्लॉथ रखने हैं, पॉलिथीन्स बैग्स ब्रोकन ग्लास एल्यूमिनियम वेपर्स नेल्स एंड ओल्ड शूज रखने हैं हमें, या टूटे वगैरह खिलौने वगैरह जो होते हैं उनको उसमें डालना है। नेक्स्ट ये तो सब हमारा हो चुका है। नेक्स्ट आता है हमारा वर्मी कंपोस्टिंग। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वर्मी कंपोस्टिंग। क्या है वर्मी कंपोस्टिंग? We can be friend to plants by supplying them with compost. We will also be every good friend to ourselves by making compost. हम क्या हो सकते हैं, जो पेड़ पौधे हैं हमारे उनको हम किस तरह से अपना मित्र बना सकते हैं वर्मी कंपोस्टिंग करके। तो स्टूडेंट आज इस टॉपिक में हम देखेंगे क्या वर्मी कंपोस्टिंग मित्रों के विषय में, जैसे ही पौधों को कंपोस्ट दे करके उनके हम फ्रेंड बन सकते हैं, तो कंपोस्ट बनाकर हम स्वयं भी बहुत अच्छे मित्र बन जाएंगे इनके। तो अगर स्टार्ट टॉकिंग ऑफ फ्रेंड्स, डू यू नो दैट अर्थवर्म आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। जिस तरह की अर्थवर्म होते हैं हमारे, वो फार्मर के एक मित्र होते हैं, वो उनकी फसलों को कीड़े मकोड़ों से बचाते हैं। Are called the red worm is used to composting. This method of preparing compost with the help of the red worm is called a vermicomposting. We can try to manure by composting it at school. हम अपने स्कूल में भी सीख सकते हैं इस तरह से वर्मी कंपोस्टिंग, या फिर क्रमिक पोस्टिंग कहते हैं इसको, वर्मी कंपोस्टिंग द्वारा हम अपने स्कूल की में खाद बनाने का प्रयास कर सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट आता है हमारा एक्टिविटी टू। एक्टिविटी टू में हमने देखा था क्या कि लेट्स डिग, एक बड़ा सा गड्ढा खोदना है और उसमें कूड़े को डालना है। किस तरह से करना है, हमें 30 सेंटीमीटर का हमारा गहरा गड्ढा होना चाहिए, उसमें एक वुडन बॉक्स रखेंगे और उसमें कोई भी किस तरह का गर्म या ठंडा कूड़ा नहीं डालते हुए, बल्कि क्या करना है उसमें डायरेक्ट सनलाइट रेज उसमें होनी चाहिए, जो कि हमारे रेड वर्म्स आदि को उससे बचा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 16.3 चैप्टर में हमने जो स्टडी किया था क्लास में भी, 16.3 में हमने क्या देखा था, 16.3 में था थिंक एंड थ्रो।
तो सोचिए कि उसको किस तरह से हमें फेंकना है. हाउ मच ऑफ गार्बेज डू यू थिंक इज थ्रोन आउट बाय ईच हाउस एवरी डे. यू कैन मेक एन एस्टिमेट बाय यूजिंग अ बकेट एज अ मेजर. यूज 5 to 10 liter बकेट ऑफ द कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर होम. आपके घरों से बहुत सारा कूड़ा डेली का निकलता है, लेकिन उसका किस तरह से निस्तारण करना ये हमें देखना है. इस यहाँ पेज में कुछ नहीं था ऐसा खास जो समझा जाए. नेक्स्ट आता है हमारा 16.4. 16.4 में हम देखेंगे क्या, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर. पेपर को किस तरह से रिसाइकल कर सकता है उसको. यू विल रिक्वायर पीसेस ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन, यूज्ड एनवलप, नोटबुक्स और एनी अदर पेपर. आपके घरों में बहुत तरह से न्यूज़पेपर होता है, नोटबुक्स होती हैं, उन पेपर को हम दोबारा से यूज कर सकते हैं. बस ध्यान रखें कि पेपर के ऊपर प्लास्टिक कोट नहीं होनी चाहिए ताकि वो पेपर पानी में गिरे ना. डू नॉट शाइनी, वो शाइनी नहीं होना चाहिए. प्लास्टिक कोटेड पेपर नहीं होना चाहिए. यू विल ऑल्सो नीड अ फ्रेम फिटेड विद अ वायर मैश और अ नेट. यू कैन ऑल्सो यूज अ लार्ज साइज सीव और द प्लेस और अ फ्रेम. और उसको आप किसी भी एक फ्रेम में शेप दे करके उस पेपर से दूसरा पेपर बना सकते हैं. किस तरह से करना है, टीयर द पेपर इन टू अ स्मॉल पीसेस. आपको छोटे छोटे टुकड़ों में अपने पेपर को बांटना है. पहले नेक्स्ट आता है हमारा 16.5. 16.5 में स्टडी करेंगे. में था हमारा प्लास्टिक बोन और क्योर्स. जो प्लास्टिक है हमारे लिए वो हमारे लिए एक वरदान है या हमारे लिए एक अभिशाप है. तो हम देखिए प्लास्टिक का यूज ऐसा तो है तो नहीं कि हम बच जाए प्लास्टिक से, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं घर में जो यूज होती हैं प्लास्टिक की. सम काइंड ऑफ प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड बट नॉट ऑल ऑफ देम. डिड यू नोटिस दैट पॉलिथिन बैग्स एंड सम प्लास्टिक डिड नॉट रोट एक्टिविटी. वन, यू माइट नाउ इजिली अंडरस्टैंड व्हाई पॉलिथिन बैग्स क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम इन गार्बेज डिस्पोजल. इट मे बी अ लिटिल डिफिकल्ट टू इमेजिन अवर लाइफ विदाउट प्लास्टिक. भाई हमारे ऐसा तो नहीं है कि बिना प्लास्टिक के हमारी लाइफ ही पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन प्लास्टिक से हम कुछ बच भी सकते हैं. शेल वी लिस्ट अ फ्यू थिंग्स वी यूज दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक. टॉयज, शूज, बैग्स, पेंस, कॉम्ब्स, टूथब्रश, बकेट, बॉटल्स एंड वाटर पाइप्स. इस तरह की चीजें हैं कुछ जो हमारी जरूरी यूज होती हैं प्लास्टिक की. लेकिन इसी के साथ अगर हम चाहें तो प्लास्टिक का यूज थोड़ा सा कम कर सकते हैं. किस तरह से कम कर सकते हैं, जैसे हम घरों में अपने सामान लाते हैं पॉलीथीन में लाते हैं, तो उसको हमें पॉलीथीन की जगह पे क्या यूज करना है. हम सामान लेने जाने से पहले हमें लेके जाना है अपने घर से कपड़े का बैग या फिर जूट बैग आदि लेकर के जाना है हमें साथ में. यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट पीपल often fill garbage in a plastic bag and throw it. और हमें ध्यान रखना है कुछ लोग क्या करते हैं, अपने पॉलिथीन में कूड़े को इकट्ठा करते हैं और उसे सीधे जाकर के गड्ढे में डाल देते हैं. हमें ऐसा नहीं करना है. ऐसा करने से क्या होगा, हमारा जो गार्बेज है वो उसमें मिक्स नहीं होगा मिट्टी में प्लास्टिक बैग, क्योंकि गलेगा ही नहीं. When stray animals look him for food in this bag, in bags के अंदर जब animals कुछ खाने की चीजें देखते हैं, they end up swallowing this और वो उसको खाने की कोशिश करने लगते हैं. Sometimes they die due to this. इस कारण से कई बार किसी किसी एनिमल की डेथ भी हो जाती है. The plastic bag throw away carelessly on roads and other places get into a drain and the sewer system. हमें इन प्लास्टिक बैग को केयरफुली सड़क पर थ्रो करना है. रिजल्ट ड्रेन गेट चोक्ड एंड द वॉटर स्पिल्स ऑन द रोड. अगर हम इस तरह से प्लास्टिक बैग चलते हुए कहीं भी रोड पर डाल देंगे तो वो क्या होगा, वो नाली में इकट्ठा हो जाएगा और या पानी को इकट्ठा कर देगा नाली का और उससे हमारी गंदगी फैलेगी. ड्यूरिंग हैवी रेन्स इट माइट इवन क्रिएट अ फ्लड लाइक सोल्यूशन. देयर इज अ लॉट ऑफ हार्म दैट टू मच यूज अ प्लास्टिक कैन डू. वॉट कैन वी डू टू मिनिमाइज अवर यूज ऑफ प्लास्टिक एंड डील विद गार्बेज. अब हमें कुछ पॉइंट ऐसे दिए जा रहे हैं जिसमें कि हम सीखेंगे कि हमें किस तरह से प्लास्टिक से बचना है. तो नंबर वन आता है, वी मेक अ मिनिमाइज यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स. हमें प्लास्टिक बैग से बचना है. वी रियूज द बैग्स इन वेन एवर विद पॉसिबल. डू द विदाउट एनी एडवाइस ऑफ द वी इंसिस्ट द शॉपकीपर्स यूज पेपर बैग. वी कैरी अ क्लॉथ
वी कैरी यूज द बैग्स, वी कैरी अ क्लोथ और अ जूट बैग व्हेन वी गो आउट द शॉपिंग. वी डू नॉट यूज प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर इटेबल्स. वी डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स हेयर एंड देयर. हमें इधर उधर प्लास्टिक बैग्स को थ्रो नहीं करना है आफ्टर यूज, यूज करने के बाद में. वी नेवर बर्न प्लास्टिक बैग. हमें प्लास्टिक बैग को जलाना नहीं है, इससे पॉल्यूशन होगा. एंड अदर प्लास्टिक आइटम्स, और प्लास्टिक के किसी भी आइटम को जला देना भी नहीं है. वी डू नॉट पुट गार्बेज इन द प्लास्टिक बैग एंड थ्रो अवे. हमें प्लास्टिक बैग्स में भी कूड़ा इकट्ठा करके फेंकना नहीं है. वी यूज वर्मी कंपोस्टिंग एट होम इन द डील विद अवर किचन वेस्ट यूजफुली. हम अपनी किचन का जितना भी वेस्ट होता है उसे यूजफुल बनाना है हमें. इन पॉइंट पर हमें ध्यान रखना है वर्मी कंपोस्टिंग करके. जिस तरह से एक इंसेक्ट फार्मर का फ्रेंड होता है, इस तरह से वर्मी कंपोस्टिंग करके हम भी एक फ्रेंड बन सकते हैं. नेक्स्ट नंबर 8 आता है वी रिसाइकल पेपर. हम पेपर का दोबारा से यूज कर सकते हैं. वी यूज बोथ साइड ऑफ द पेपर एंड राइट इट. हम पेपर का दोनों साइड से यूज करें, दोनों तरफ उसकी तरफ लिखें. वी यूज अ स्लेट और अ रफ वर्क. हमें अपने रफ वर्क के लिए स्लेट का यूज करना है. वी यूज ब्लैंक शीट ऑफ पेपर लेफ्ट इन आवर नोटबुक्स फॉर रफ वर्क. हमें अपने पेपर नोटबुक के लेफ्ट साइड में रफ वर्क करना है. We make our family, friends and others to follow proper practice of the disposing different kinds of waste. Think about some more ways to minimize ourselves the plastic and discuss. इन सभी डिस्कस से ये निर्णय निकलता है कि भाई हमने किस तरह से हमें प्लास्टिक से अपने जीवन को बचाना है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो एंड थिंक अबाउट इज दैट मोर गार्बेज वी जनरेट. अगर हम ज्यादा गार्बेज इकट्ठा कर रहे हैं, मोर डिफिकल्टीज इट विल बी टू गेट राइट ऑफ इट. और ज्यादा से ज्यादा परेशानियां आपके पास आएंगी, यानी कि आप संक्रमित होंगे, ज्यादा कूड़ा होगा, उनसे हमें बचना है और दूसरों को भी यही शिक्षा देनी है. आई होप सभी अच्छे से वीडियो को वॉच करेंगे, अपने बुक से स्टडी करेंगे. थैंक यू एवरीवन.